हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदीद प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के एक हाई स्कूल में फायरिंग का वाकया, नजर डालेंगे अमरीका में होने वाली मास शूटिंग्स के वाकयात की तारीख और मुहरिकात पर, और पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुंसलिक इदारों को हुकूमती तहवील में लेने की मुहिम का आगाज, इस पर एक तज्जियाकार से गुफ्तगू। लेकिन शो में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। पाक अमरीका ताल्लुकात में तलखी, लेकिन अमरीकी बजट में पाकिस्तान के लिए इमदाद की तजवीज, मानसून की आमद और रोहिंग्या पनाह गजीनों की मुश्किलात, और अमरीका की सीनियर आबादी सेहत आमा के शोबे को कैसे बदल रही है। रियासत फ्लोरिडा में एक हाई स्कूल में फायरिंग के वाके के बाद FBI और मुकामी पुलिस इस वाके के मुहरिकात का जायजा ले रही है, जबकि अमेरिका की तारीख में फायरिंग का ये वाकया जो हुआ है इसमें मरने वाले बच्चे और बड़े दोनों ही शामिल हैं, और हमले के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया 19 साल मुल्ज़िम निकोलस क्रूज मार्चरी स्टोन मैन डगलस हाई स्कूल का ही एक सबका तालिब इल्म था, जिसे नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर स्कूल से निकाला गया था। पुलिस के मुताबिक हमला आवर के सोशल मीडिया अकाउंट से सामने आने वाली मालूम इंतहाई परेशान कुन है। पुलिस के मुताबिक अमरीकी तारीख की बदतरीन इस मास शूटिंग में इस हमले में AR-15 स्टाइल की राइफल इस्तेमाल की गई है, जो इससे पहले भी कई मास शूटिंग्स में इस्तेमाल हो चुकी है। आतशी असले से होने वाले तशद्दुद के आदाद और शुमार इकट्ठे करने वाली NGO गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक गुज़श्ता साल अमरीका भर में फायरिंग के वाकयात में 15,500 हलाकतें हुई, जिनमें मास शूटिंग के 346 वाकयात हुए, जबकि कल की इस फायरिंग में अब तक ये स्कूल में कैंपस पर फायरिंग का 18वां वाकया है। इसकी संगीन मसले के मुहरिकात के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि अमरीकी कानून असला खरीदने और रखने की इजाजत देते हैं। जराइम पेशा अफराद और जहर मरीजों के अलावा हर शहरी को असला खरीदने का हक हासिल है। असले पर पाबंदी के मुखालफिन कहते हैं कि अमरीकी आयन की दूसरी तरमीम उन्हें असला रखने का हक देती है। ताजा अदाद शुमार के मुताबिक अमरीका में 40% अफराद के घर में असला है। अमरीका के मुकाबले में कुछ दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में फायरिंग से हलाकतें कम होती हैं। इस हवाले से चीन, जापान, जर्मनी, बरतानिया और कनाडा का रिकॉर्ड अमरीका से बहुत बेहतर है। एक अरसे तक मास शूटिंग्स किसी शख्स की जानिब से फायरिंग से 4 से ज्यादा अफराद की हलाकत को कहा जाता था। खानदानी झगड़े पर बीवी का कत्ल, चोरी की वारदात में कत्ल, नस्ली मुराफरत में कत्ल, दहशतगर्दी या कत्ले आम के जुमरे में नहीं आते। हर दफा जब ऐसा कोई वाकया होता है तो कानून को सख्त करने की बात तो होती है और बैकग्राउंड चेक्स को सख्त करने की बात भी होती है। सवाल यह है कि हर साल जब अमेरिका में गन क्राइम्स की वजह से इतने ज्यादा लोग हलाक होते हैं तो फिर कानून को सख्त क्यों नहीं किया जाता। इसके लिए मसले के सियासी पहलू को समझना बहुत जरूरी है। रवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी असले के बारे में सख्त कानून की हामी रही है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ऐसे किसी भी इकदाम की मुखालफत करती है। अमेरिका में असले की सनद से मुंसलिक लॉबिस्ट और असला रखने के हक के लिए काम करने वाली मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम नेशनल राइफल एसोसिएशन भी उन सियासतदानों की हमायत और अयानत करती है जो असले के हक में होते हैं। इस सारे मामले में एक और मसला दहशतगर्दी पर बहस का है। आमतौर पर अमेरिका में दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो किसी नजरियाती सोच को दूसरे पर मुसलत करने या सियासी मकसद के हसूल के लिए तशद्दुद की राह अपनाए। टेक्सास के वाकये के जिम्मेदार डेवन कैली को दहशतगर्द नहीं कहा जाता, क्योंकि इस वाकये की वजह खानदानी झगड़ा था। उसने 26 अफराद को कत्ल किया। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के इदाद और शुमार के मुताबिक अमरीका में सालाना औसतन 33,000 अफराद गन से मुतालिक वाकयात में हलाक होते हैं, लेकिन मैस शूटिंग्स का असर सियासत और मुआशरे पर ज्यादा होता है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया ने जमात दावा और इसके साथ मुंसलिक तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन के जेर इंतजाम चलने वाले मदरसों और बुनियादी सेहत के कुछ मराकज का कंट्रोल संभालते हुए उन्हें महकमा औकाफ के हवाले कर दिया है। ये कार्रवाई पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में तरमीम के उस सदारती ऑर्डिनेंस के तहत की गई है जिसके मुताबिक उन अफराद और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जिन पर अकवाम मुत्तहिदा की इस्लामी काउंसिल ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं। पाकिस्तान की जानिब से यह इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसे बैन की गई तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बढ़ते हुए बैनुल अक्वामी दबाव का सामना भी है। अक्वामी मुत्तहिदा की इस्लामी काउंसिल का यह भी कहना है कि हाफिज सईद की जेरे निगरानी चलने वाली फलाह इंसानियत फाउंडेशन जमात उद्दावा का ही दूसरा नाम है जिसका पहला नाम लश्कर ए तैयबा था और वह इन तमाम को दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुका है जिन पर भारत और अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी में मुलव्वस होने का इल्जाम है। मजीद जानने के लिए हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से। आयशा, बताइएगा कि इस क्रैकडाउन के बाद हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? जी साकिब, होता यह है कि कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है उसकी मुद्दत 120 दिन होती है और 120 दिन के अंदर अंदर अगर इसको परमानेंट रखना चाहे हुकूमत तो उसको करना यह पड़ता है कि उसको एक बिल के तौर पर पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है और फिर वो कमेटी में जाता है और वो सारा प्रोसेस शुरू होता है और अगर ये पेश ना हो तो वो ऑटोमेटिकली 120 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है। चूंकि 18 तारीख को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग पेरिस में शुरू हो रही है और ये वही आलमी दारा है जिसकी ग्रे लिस्ट पर शामिल होने के खौफ से पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी ये इकदाम किए हैं, तो हम बहुत ज्यादा ये मॉनिटर कर रहे थे कि अच्छा अब ऑर्डिनेंस जुम्मे को आया है तो हमारा ख्याल था कि पीर को हुकूमत जो है वो ये ले कर देगी ये बिल, लेकिन ये कि आज जुमेरात हो गई है, आज तक ये बिल ले नहीं हुआ, कल जुम्मा है और आखिरी वर्किंग डे है हफ्ते का, उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी होगी और 18 से इजलास शुरू है, तो इस बात पे थोड़ी सी हमें हैरत हो रही है कि ये डिले क्यों हो रहा है। अगरचे एक बहुत आला ओहदेदार पाकिस्तानी सिविलियन साइड के, उन्होंने कहा कि हुकूमत इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहती है, लेकिन मैंने जब बहुत कई लोगों को मैसेजेस भेजे जिनमें उजरा भी थे और लोग भी थे और अमूमन मेरे मैसेजेस का जल्दी जवाब आ जाता है और मैंने उनसे पूछना चाहा कि डिले क्या है, आप लोग ये बिल क्यों पेश नहीं कर रहे, तो ये आप ये समझिए कि रेडियो साइलेंस था, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। तो सूरत हाल ये है कि ऑर्डिनेंस के तहत लेकिन काम जारी है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ क्रैकडाउन भी जारी है। थैंक यू आयशा फॉर दीज अपडेट्स फ्रॉम इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के तरफ से कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने मोहतात रद्दमल का इजहार करते हुए कहा है कि हम इजाफी इतलात के मुंतजर हैं कि आया इन इकदाम पर किस तरह से अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अमरीकी इदारे नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैन कोट्स ने अमरीकी सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी की एक हियरिंग में इस हवाले से वाजे तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अब तक किए जाने वाले इकदामात इन ग्रोहों के खिलाफ दबाव में किसी खास इजाफे को जाहिर नहीं करते और इनका कोई पायदार असर मुमकिन नहीं। पिछले महीने इंतजामिया ने तालिबान हक्कानी ग्रुप और पाकिस्तान में दूसरे शिद्दत पसंद ग्रोहों से मुंसलिक 8 दहशतगर्दों को नामजद किया था। हमारा अंदाजा है कि पाकिस्तान इन शिद्दत पसंदों के साथ ताल्लुकात कायम रखेगा और दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका के साथ तआवुन को महदूद रखेगा। हाफिज सईद से मुंसलिक तंजीमों पर क्रैकडाउन और इससे पाक अमरीका ताल्लुकात पर मुमकिन असरात पर बात करेंगे वाशिंगटन के एक तहकीकी इदारे पॉलिटेक से मुंसलिक तज्जियाकार आरिफ अंसार से। आरिफ अंसार, व्यू 360 में खुश आमदीद। डैन कोट्स के खदशात आपने सुने अभी। हाफिज सईद से मुंसलिक इदारों पर क्रैकडाउन और रिसनकारी तहवील में लेने की इब्तदा, क्या मौजूदा हालात में पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख बेहतर करने की कोशिश है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से ये जो आपने भी रिपोर्ट भी पेश की कि जो कार्रवाई की गई है जिसमें इदारों को जमात दावा से कनेक्टेड जो इदारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो ये शो करती है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान एक रैशनल एक्टर है और वो ऐसे प्रेशर्स जिसके पाकिस्तान पे लॉन्ग टर्म या ऐसे एक्शंस अमेरिका की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जिसके दूर रस नतायज हो सकते हैं या पाकिस्तान की बिजनेस इंटरेस्ट पे इंपैक्ट हो सकता है, वो जाहिरी बात है वो नहीं चाहते, तो ये उसी तसलसल में है। और जिस तरह से कुछ आपने पेश भी किया
कि ये कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, रिसेंटली फिर इंडिया में कुछ अटैक हुए, अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रेशर है और अमेरिका की जो ये हियरिंग हुई उन सब से जाहिर होता है कि उसने पाकिस्तान को एक किस्म से प्रेशराइज किया है कि एक्शन ले। लेकिन ये तसलसल में है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है। ये जो यूएस पाकिस्तान के रिलेशन में जो जो टेंशन के मामलात हैं ये उन्हीं से जुड़ी हुई एक कड़ी है। और इस सिलसिले में FATF की वॉच लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी बात हो रही है। आइंदे हफ्ते पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास होने वाला है जिसमें पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दी की मालियाती लिस्ट में शामिल किए जाने की अमरीकी तहरीक पर बात होगी। तो क्या ये कार्रवाई उसका रद्दअमल भी है, और अगर पाकिस्तान इस लिस्ट में एक दफ़ा फिर शामिल होता है तो किस किस्म की मुश्किल होंगी पाकिस्तान के लिए? जी, मेरे ख्याल में जो रिपोर्ट्स हैं उससे भी जाहिर होता है कि माजी में भी पाकिस्तान शायद उस लिस्ट पे रहा है 2012 से 2015 तक, तो उस लिहाज से तो शायद ये इतनी अलार्मिंग नहीं है। लेकिन जो इस वक्त प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें वो एक स्टेपिंग स्टोन साबित हो सकता है कि जो मजीद आगे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और जाहिर बात है पाकिस्तान को भी उस चीज़ का अंदाजा और उसको अवर्ट करना चाहता है, प्रिवेंट करना चाहता है। और जो उनकी तरफ से बयान आए हैं वो लगता है कि वो उम्मीद है कि जो इन एक्शंस जो इन्होंने अभी लिए हैं और उससे पहले जो कमेटी ने खुद दौरा भी किया पाकिस्तान का, उसके नतीजे में वो शायद इस लिस्ट पे उनका नाम जो आने से बच जाए। जी आरिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम कुछ बात करते हैं बजट की जो तजवीज़ किया गया है 2019 के लिए, जिसमें पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद की कटौती भी वाशिंगटन में जेर बहस है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया की जानब से रवां हफ्ते कांग्रेस को भेजे जाने वाले बजट 2019 के मसवदे में पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ 10 लाख डॉलर की इमदाद तजवीज़ की गई है, जबकि गुज़श्ता माली साल में यह रकम 36 करोड़ डॉलर थी, यानी तकरीबन 10 मिलियन या 1 करोड़ डॉलर की कटौती की गई है। इस इमदाद में 8 करोड़ डॉलर अस्करी इमदाद की मद में मुख्तस किए गए हैं। तो आरिफ अंसार, महकमा खारजा के मुताबिक सिर्फ 10 अहम तरीन इतिहादियों को यह इमदाद दी गई है जो पाकिस्तान की अहमियत का सबूत भी है। तो क्या इसमें अस्करी इमदाद को दलों की मुबैना पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई से मशरूत करना भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की एक और कोशिश है, और इससे क्या खातिर खान नतज भी बरामद होंगे या नहीं? फिर मैं रिपीट करूंगा कि एक तसलसल है, अमेरिका की तरफ से भी जो बयान आए हैं वो ये जाहिर करते हैं कि अगर वो जो उन्होंने कंडीशनैलिटी लगाई है अमेरिका की तरफ से कि अगर हम पाकिस्तान की तरफ से एक्शन होते हैं उन स्टेप्स पर जो जो जिसकी डिमांड की जा रही है, तो वो जो सैंक्शन जो इमदाद बंद की गई है वो बहाल हो सकती है। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक्शन होता है और अमेरिका की तरफ से भी एक्शन होता है। तो जो ये इमदाद की आपने रिपोर्ट दी है तो ये भी उसी की कंटिन्यूटी है कि अमेरिका मैसेज दे रहा है कि ऑब्वियसली कि अगर पाकिस्तान कोऑपरेट करता है तो इमदाद बहाल हो सकती है, उसमें इजाफा भी हो सकता है। और डैन कोट्स की हमने बात की थी पहले, जिन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से ये कहा कि वहाँ अफगानिस्तान की सरहद के करीब मौजूद पाकिस्तानी मुबैना तौर पर जो सेफ हेवंस हैं दहशतगर्दों की, वहाँ से वो ऑपरेट करते रहेंगे और पाकिस्तान उसके बारे में कुछ खास नहीं कर रहा। और तालिबान ने अमरीकी अवाम के नाम खुले खत में अफगान जंग को ख़त्म करने की बात भी की और मुज़ाकरात की बात की है। आप इस खत को इन हालात में कैसे देख रहे हैं? जी, ये एक डिमांड्स हैं, जाहिर बात है कि एक पाकिस्तान के ऊपर डिमांड्स हैं और पाकिस्तान ने जो अपनी डिमांड्स हैं या उनका जो पोजीशन है वो ये है कि अफगानिस्तान की तरफ पे जो था TTP वाले या ऐसे अनासर हैं जो वहाँ रिफ्यूज लेके पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, तो ये भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसमें डिस्कशंस जारी हैं कि किस तरीके से इस मामले को अटैम्प्ट किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से पोजिशन है कि अगर कोई इतला है भी कोई तकरीबकार ग्रुप्स के या पर्सनैलिटीज़ के पाकिस्तान की साइड पे होने की तो पाकिस्तान को इत्तला दी जाए, वो अपने तौर से उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ऑब्वियसली वो यूनिलैटरल एक्शन के अगेंस्ट हैं। दूसरी तरफ वो डिमांड कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ है, लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान की पोजिशन जो है प्रेमिस है वो कि अब जो है कि पीस टॉक्स की तरफ ज्यादा जो है जोर दिया जाए, और इस तसलसल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत भी जारी। थैंक यू आरिफ अंसार फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। थैंक यू। सदर ट्रंप अमरीकी इमिग्रेशन के निजाम में किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं और इसका तारकीन वतन पर क्या असर होगा, इसमें तफसीली रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ दिलचस्प वीडियोज भी मौजूद हैं। और मानसून की मौसम की आमद के साथ ही म्यांमार में रोहिंग्या कम्युनिटी को मजीद मुश्किल का सामना क्यों, ये आप देख सकेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। और अमेरिका में बेबी बूमर सेहत के शोबे को कैसे बदल रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट भी शामिल है आज के शो में। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम बैन अल-अक़वामी खबरों पर वर्ल्ड व्यू में।
اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ سال افغانستان میں 10,000 شہری ہلاک اور زخمی ہوئے اور یہ تعداد 2016 سے کم رہی. رپورٹ کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں عسکری پسندوں کے حملے میں ہوئی جو جانی نقصان کا 2/3 حصہ ہیں، جبکہ 1/3 ہلاکتیں حکومتی فوج اور امریکی فضائی حملوں میں ہوئی. چینی وزارت خارجہ نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے چین اور بھارت کے درمیان متنازع ریاست اروناچل پردیش کے دورے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت ایسے اقدامات سے گریز کرے جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیچیدگی کا باعث بنے. جنوبی افریقہ میں صدر جیکب زوما کے استعفے کے بعد نائب صدر سیرل رامپوزا کو صدر منتخب کرنے کے لیے پارلیمان کا اجلاس جاری ہے. دوسری جانب اطلاعات کے مطابق ملک کی اسپیشل فاکس فورسز نے کرپشن میں ملوث بھارتی نژاد گپتا خاندان سمیت 8 بااثر افراد کو گرفتار کر لیا ہے. روس نے برطانیہ کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ گزشتہ سال برطانیہ میں ہونے والے نوٹفٹا نامی سائبر حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ تھا. برطانیہ کی وزارت خارجہ نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ سال یورپ میں ہونے والے بڑے سائبر حملے کے پیچھے روسی فوج کا ہاتھ تھا، جس نے خطے کی بڑی کمپنیوں، بندرگاہوں اور کاروباری مراکز کو محفوظ کر دیا تھا. امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. حکمران سن لے، خدا بس اتنی سمجھتے ہیں کہ جو جیسا کہے تم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکے. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے. اس پروفیشن میں نا امی بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ میانمار سے باہر کیمپوں میں پناہ لینے والے پناہ گزین مانسون کی آمد سے مزید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 1,00,000 سے زائد روہنگیا پناہ گزین ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں سیلاب اور لینڈ سلائڈز کا خطرہ رہتا ہے. اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کی ایجنسی کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ہزاروں پناہ گزینوں کو فوری طور پر دوسرے مقامات پر آباد کرنے کی ضرورت ہے. وقت بہت کم ہے کیونکہ ہمیں ایک نئی ایمرجنسی کا سامنا ہے. مانسون کا موسم مارچ میں شروع ہوگا. بین الاقوامی دباؤ کے تحت میانمار کی حکومت کچھ روہنگیاؤں کی واپسی پر رضامند ہو گئی ہے. ہم نے ضروری تیاری کر لی ہے اور پہلے گروپ کی واپسی کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ صحافیوں نے میانمار کی راخائن ریاست میں غیر تسلیم شدہ مسلمان اقلیت کے خلاف جاری ظلم و زیادتی کا انکشاف کیا ہے. خبر رسان ادارے رویٹرز نے ان صحافیوں کی رپورٹ شائع کر دی ہے جس میں راخائن ریاست کے ایک گاؤں میں 10 روہنگیا مردوں کو ہلاک کیے جانے کی تفصیلات موجود ہیں. ایسوسیٹڈ پریس نے بھی بوتھے ڈانگ میں 5 اجتماعی قبروں کی رپورٹ شائع کی ہے. رائٹرز کے صحافی اس وقت سے جیل میں ہیں اور بین الاقوامی تفتیش کاروں کو مبینہ مظالم والے مقامات پر جانے کی اجازت نہیں. اسی دوران بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ راخائن ریاست سے روہنگیا مسلسل سرحد پار کر کے آ رہے ہیں. ریاست راخائن میں باقی ماندہ روہنگیا بھوک اور ظلم و ستم سے بچنے کے لیے سرحد عبور کر رہے ہیں. اس ماہ کے صرف پہلے 10 دنوں میں تقریباً 1,500 نئے پناہ گزین سرحد عبور کر کے بنگلہ دیش آئے ہیں. امریکی سفیر نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل پر زور دیا ہے کہ میانمار میں ظلم و زیادتی پر توجہ دے. ہم اس صورتحال سے نظریں نہیں چرا سکتے. برما میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کونسل کو فوج کو مرد الزام ٹھہرانا چاہیے اور آن سان سوچی پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ اس ملک میں ہونے والی ظالمانہ سرگرمیوں کو تسلیم کرے. کوئی اور بہانہ نہیں. نکی ہیلی نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر لکھنے والے رپورٹرز کی فوری رہائی پر زور دیا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد کے برسوں میں امریکہ میں شرح پیدائش میں تیزی سے اضافہ کرنے والی نسل کو بیبی بومرز کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جو امریکہ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے. اور جو جو ان کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے وہ صحت عامہ کے شعبے کو اپنے ہی انداز میں تبدیل کرنے کا سبب بھی بن رہے ہیں. کیسے، دیکھتے ہیں آج کے ہیلتھ سیگمنٹ میں. ڈاکٹرز جیسے نرس پریکٹیشنرز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے اب گھروں میں جا کر مریضوں کی دیکھ بھال کا رواج بڑھ رہا ہے.
ये घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाने वाली दूसरी जंगी अजीम के बाद पैदा होने वाले अमरीकियों की ये नस्ल डॉक्टर्स को घर बुलाना ज्यादा पसंद करती है। वो नर्सिंग होम आना पसंद नहीं करते, चाहे वो बहुत अच्छे मेयार ही का क्यों ना हो, वो वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ उनका कंट्रोल हो। और बिलाशुबा डॉक्टर्स का घर जाकर मरीजों को चेक करना ज्यादा बेहतर है। ये काफी मददगार हैं। ये अक्सर मेरे घर आकर सारी रीडिंग्स ले जाते हैं, मुझे अस्पताल में जाना नहीं पड़ता। और जहाँ तक इन बुजुर्गों के अस्पताल जाने की बात है तो डॉक्टर्स भी इस हक में हैं कि इससे बचा जाए। हमारी फिक्र उनके चलने फिरने की सलाहियत के महदूद हो जाने के बायस है। एक मुहावरा है कि अस्पताल में गुजारे गए एक दिन के असरात से सेहत याब होने में एक हफ्ता तक लग सकता है। और अगर इन अमरीकी सीनियर्स को अस्पताल दाखिल होना ही पड़े तो यहाँ के अस्पताल ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ कयाम को हर मुमकिन हद तक आरामदेह बनाएं। बजाय इसके कि इन बुजुर्गों को हम छूटते ही अस्पताल आने का कहें, हम इन्हें ज्यादा करीब से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी जरूरियात का अंदाजा लगाया जा सके। ब्रेन डॉप्शिस कहते हैं कि इन सीनियर मरीजों के हम उम्र होने की वजह से ये नस्ल उनके साथ ज्यादा आरामदेह महसूस करती है। एक 90 साल शख्स के मुकाबले में नौजवानों को इमरजेंसी रूम्स में तैनात किया गया, मेरे मुकाबले में उनके सर पर सफेद बाल बहुत कम है। एक अंदाजे के मुताबिक अमरीका में हर रोज तकरीबन 10,000 बेबी बूमर्स 65 बरस की उम्र को पहुँच रहे हैं। केविन एनिक्स के साथ सादिया असद, उर्दू वीओए। एक दौर था जब शादी ब्याह का तसव्वुर बैंड बाजे वालों के बगैर मुकम्मल नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ बैंड बाजे वालों को शादियों में बुलाने का रिवाज अब खत्म हो रहा है और जो इस काम से रोजगार कमाने वालों के लिए तकलीफ का बाइस भी है। चलते हैं लाहौर की एक म्यूजिक बैंड मार्केट में जहाँ 40 म्यूजिक बैंड अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन वहाँ सोचा क्या जा रहा है, आइए जानते हैं। हमारे जो बैंड का जो सिस्टम है ना, इसमें हमारे चार ड्रम होते हैं, दो पाइप होते हैं, एक मैं मेजर खड़ा हूँ स्टिक घुमाने वाला आगे, तो मैं इनका हेड हूँ, जिन्हें कहते हैं इंचार्ज समझ ले, हेड इंचार्ज वो। तो ये काम काफ़ी मुश्किल है, तरीके से हैंडल करना पड़ता है कि ताकि कस्टमर जो है ना वो देख के खुश हो। दूसरों की खुशियों में इजाफे का सामान बनने वाले ड्रम, बैंड, बैक पाइप और सुर बखेरने वाले आलात के पीछे एक अलग ही दुनिया आबाद है। खुशी के सांस और खुशहाली के ख्वाब से दूर एक खामोश और बे आवाज दुनिया। रिश्ता नहीं दिता, वो कहना किराए से बैठा हुआ, मेरी धी भी किराए से रुलेगी, जिन्हू कोई ना लवे वो मिलता वा सानू रिश्ता, जिड़ा सही रिश्ता वा ना वो वाजे कोई नहीं दिता। मोहम्मद रफीक ने खुशियां बांटी तो बहुत, लेकिन समेटी नहीं। आज मुझे 45 साल हो गए, मेरे वालिद भी ये काम करते थे, मेरे दादा भी ये काम करते थे, अगर मेरी औलाद भी यही काम कर रही है। साल के 6 महीने कारोबार होता, 6 महीने कारोबार नहीं होता, 6 महीने ना मैं जनाबे आली चार पाइयां बुनना वा। लाहौर की सर्कुलर रोड पर 1999 में उस दौर के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने ऐसे ही फनकारों के लिए एक मार्केट बनाई जो आज भी तकरीबन 40 म्यूजिक बैंड ग्रुप्स का ठिकाना है। शादियों के सीजन में तो कमाई अच्छी हो जाती है, लेकिन साल के बाकी महीने दुकान का किराया और बिल भी अपनी खाली जेब से भरने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का इन फनकारों की तरफ तवज्जो ही नहीं है। ये फनकार मानते हैं कि अपना वजूद कायम रखने के लिए फन और पेशकश के अंदाज में जिद्दत लानी होगी, लेकिन इनका कहना है कि उसके लिए वसाइल की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। ये था आज का व्यू 360। हमसे रابطے के लिए आइए facebook.com/voeurdu के पेज पर, और हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। आपसे इजाजत लेने का वक्त आया, लेकिन जाने से पहले कल फ्लोरिडा में होने वाले फायरिंग के वाकये के कुछ मनाज़िर जो शायद हमें ये सोचने पर आमादा करें कि इंसानियत किस जानिब जा रही है।